धनतेरस और दीपावली को लेकर मुरादाबाद का बाजार सजने लगा है। बाजार में दिन प्रतिदिन रौनक बढ़ने लगी है। माँ लक्ष्मी की मूर्तियां हो या तस्वीरों की बिक्री बहुत ही जोरों में हो रही है। इसके साथ ही घरों की सजावट का सामान भी खूब बिक रहा है। वहीं कोरोना संकट से राहत मिलने के बाद इस बार व्यापारियों को दीपावली पर बाजार में रौनक और अच्छा कारोबार होने की उम्मीद है। ऐसे में कारोबारी भी तैयारियों में जुटे हैं। बाजार में घरों के सजावट के सामान की खरीदारी भी शुरू हो गई है। दीपावली को लेकर लोग अपने घरों को विशेष तौर पर सजाते हैं और इसके लिए कई तरह का सजावट का सामान इस्तेमाल होता है। सजावट के सामान से भी बाजार गुलजार है। लोग दुकानों के साथ फड़ियों में भी बाजार में सामान लगाए हुए हैं। सजावट के सामान की कीमत 50 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक है। लोगों ने बाजार पहुंचकर सामान खरीदना शुरू कर दिया है। बाजार में रौनक बढ़ने पर दुकानदार खुश हैं और दुकानदारों का कहना है कि इस बार करवा चौथ पर भी काम अच्छा निकला है और उम्मीद है कि धनतेरस और दीपावली भी अच्छी होगी। जहाँ तक शहर के व्यापार का हालत है वो बहुत ज़्यादा दयनीय और खराब। उसका मेन कारण यहाँ की सड़कें, यहाँ का जाम आदमी को बाजार में ना निकल देने के लिए काफ़ी है। हर तरफ सड़क टूटी पड़ी है, हर तरफ जाम की बेहद खराब स्थिति है। ना प्रशासन इस पर कोई ध्यान दे रहा है, ना संबंधित कोई अधिकारी स्वरूप देख रहा है। इससे व्यापार बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। मैं व्यापार बहुत हल्का है इस बार व्यापार बहुत ही ज़्यादा हल्का है। सड़क पर सिर्फ जाम ही जाम है। दुकानें बिल्कुल, दुकानदार बिल्कुल खाली मायूस बैठा हुआ है कि जाम हटे तो ग्राहक आए। मैं प्रशासन से यही अपील करता हूँ, मांग करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि इस समस्या को प्रथम दृष्टया मानते हुए इस जाम से शहर को छुटकारा दिलवाएं। धन्यवाद। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के कारण 2 वर्ष काम प्रभावित रहा, लेकिन इस बार बाजार के हाल बेहतर हैं।